शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही को है जिसने अपने महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर यह किताब नाजिल की और इसमें किसी तरह की कजी और पेचीदगी ना रखी बल्कि सीधी और सलीस उतारी ताकि लोगों को अजाब सख्त से जो उसकी तरफ से आने वाला है डराए और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी सुनाए कि उनके लिए उनके कामों का नेक बदला यानी बहिश्त है जिसमें वो हमेशा रहेंगे और उन लोगों को भी डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। इनको इस बात का कुछ भी इल्म नहीं और न इनके बाप दादा ही को था। यह बड़ी सख्त बात है जो इनके मुंह से निकलती है और कुछ शक नहीं कि ये जो कुछ कहते हैं महज झूठ है। ऐ पैगंबर, अगर ये इस कलाम पर ईमान न लाएं तो शायद तुम इनके पीछे रंज कर करके अपने तई हलाक कर दोगे। जो चीज जमीन पर है हमने उसको जमीन के लिए जीनत बनाया है ताकि लोगों की आजमाइश करें कि उनमें कौन अच्छे अमल करने वाला है, और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो नौजवान गार में जा रहे तो कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर अपने हाथ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे काम में दुरुस्ती के सामान मुहैया कर। तो हमने गार में कई साल तक उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा यानी उनको सुलाए रखा, फिर उनको जगा उठाया ताकि मालूम करें कि जितनी मुद्दत वो गार में रहे दोनों जमातों में से उसकी मकदार किसको खूब याद है। हम उनके हालात तुमसे सही सही बयान करते हैं। वो कई नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको और ज्यादा हिदायत दी थी और उनके दिलों को मरबूत यानी मजबूत कर दिया। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का मालिक है, हम उसके सिवा किसी को माबूद समझकर न पुकारेंगे। अगर ऐसा किया तो उस वक्त हमने बेअकली की बात की, इन हमारी कौम के लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, भला ये उनके माबूद होने पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते? तो उससे ज्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जब तुमने इन मुशरिकों से और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं उनसे किनारा कर लिया है तो गार में चल रहो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे लिए अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे कामों में आसानी के सामान मुहैया करेगा। और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार से दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो उनसे बाईं तरफ कतरा जाए, और वो उस गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं, जिसको अल्लाह हिदायत दे वो हिदायत याब है और जिसको गुमराह रहने दे तो तुम उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला ना पाओगे। और तुम उनके मुतालिक ख्याल करो कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सोती हैं, और हम उनको दाईं और बाईं करवट बदलाते थे और उनका कुत्ता चौखट पर दोनों हाथ फैलाए हुए था। अगर तुम उनको झांक कर देखते तो पीठ फेर कर भाग जाते और उनसे दहशत में आ जाते। और इसी तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है, तो अपने में से किसी को ये रुपया देकर शहर भेजो, वो देखे कि नफीस खाना कौन सा है तो उसमें से खाना ले आए, और एहतियात से आए जाए और तुम्हारा हाल किसी को ना बताए। अगर वो तुम पर दस्तरस पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या फिर अपने मजहब में दाखिल कर लेंगे, और उस वक्त तुम कभी फला नहीं पाओगे। और इसी तरह हमने लोगों को उनके हाल से खबरदार कर दिया ताकि वो जाने कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत जिसका वादा किया जाता है उसमें कुछ शक नहीं। उस वक्त लोग उनके बारे में बाहम झगड़ने लगे और कहने लगे कि उनके गार पर इमारत बना दो, उनका परवरदिगार उनके हाल से खूब वाकिफ है। जो लोग उनके मामले में गलबा रखते थे वो कहने लगे कि हम उनके गार पर मस्जिद बनाएंगे। बाज लोग अटकल पच्चू कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो पांच थे और छठा उनका कुत्ता था, और बाज कहेंगे कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा परवरदिगार ही उनके शुमार से खूब वाकिफ है, उनको जानते भी हैं तो थोड़े ही लोग जानते हैं, तो तुम उनके मामले में बहस ना करना मगर सरसरी सी बहस, और न उनके बारे में उनमें से किसी से कुछ दरियाफ्त ही करना, और किसी काम की निस्बत न कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा मगर इंशाअल्लाह कहकर यानी अगर अल्लाह चाहे तो कर दूंगा।
और जब अल्लाह का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत की बातें बताए। और असहाबे कहफ अपने गार में नौ ऊपर 300 साल रहे, कह दो कि जितनी मुद्दत वो रहे उसे अल्लाह ही खूब जानता है, उसी को आसमान और जमीन की पोशीदा बातें मालूम हैं, वो क्या खूब देखने वाला और क्या खूब सुनने वाला है, उसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं और न वो अपने हुक्म में किसी को शरीक करता है। और अपने परवरदिगार की किताब को जो तुम्हारे पास भेजी जाती है पढ़ते रहा करो, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और उसके सिवा तुम कहीं पना भी नहीं पाओगे। और जो लोग सुबह शाम अपने परवरदिगार को पुकारते और उसकी खुशनूदी के तालिब हैं उनके साथ सब्र करते रहो और तुम्हारी निगाहें उनमें से गुजर कर और तरफ न दौड़े कि तुम दुनियावी जिंदगी की रौनकों के खास्तगार हो जाओ। और जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है और वो अपनी ख्वाहिश की पैरवी करता है और उसका काम हद से बढ़ गया है, उसका कहा न मानना। और कह दो कि लोगों ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है, तो जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे काफिर रहे, हमने जालिमों के लिए दोजख की आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उनको घेर रही होंगी और अगर फरियाद करेंगे तो ऐसे खौलते हुए पानी से उनकी दादरसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की तरह गर्म होगा और जो उनके चेहरों को भून डालेगा। उनके पीने का पानी भी बुरा और आरामगाह भी बुरी। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों का अजर जाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें उनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं, उनको वहां सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तकिए लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। और इनसे दो शख्सों का हाल बयान करो जिनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग इनायत किए थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी न होती और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज्यादा हूं और जथे और जमात के लिहाज से भी ज्यादा इज्जत वाला हूं और ऐसी शेखियों से अपने हक में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि यह बाग कभी तबाह हो और न ख्याल करता हूं कि कयामत बरपा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो वहां जरूर इससे अच्छी जगह पाऊंगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस जात से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हें पूरा आदमी बनाया? मगर मैं तो ये कहता हूं कि अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों ना कहा? अगर तुम मुझे मालो औलाद में अपने से कमतर देखते हो तो अजब नहीं कि मेरा परवरदिगार मुझे तुम्हारे बाग से बेहतर अता फरमाए और तुम्हारे इस बाग पर आसमान से आफत भेज दे तो वो साफ मैदान हो जाए, या इस बाग की नहर का पानी गहराई में उतर जाए तो फिर तुम उसे तलाश ना कर सको और उसके मेवों को अजाब ने आ घेरा और वो अपनी छतरियों पर गिर कर रह गया तो जो माल उसने उस पर खर्च किया था उस पर हसरत से हाथ मलने लगा और कहने लगा कि काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न बनाता। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब अल्लाह की है, जो माबूद बरहक है वही बेहतरीन सवाब अता करने वाला और बेहतरीन अंजाम लाने वाला है। और इनसे दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कर दो कि वो ऐसी है जैसे पानी जिसे हमने आसमान से बरसाया तो उसके साथ जमीन की पैदावार मिलकर निकली, फिर वो चूरा चूरा हो गई कि हवाएं उसे उड़ाती फिरती हैं। और अल्लाह तो हर चीज पर कुदरत रखता है। माल और बेटे तो दुनिया की जिंदगी की रौनक व जीनत हैं और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो सवाब के लिहाज से तुम्हारे परवरदिगार के यहां बहुत अच्छी और उम्मीद के लिहाज से बहुत बेहतर है। और जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम जमीन को साफ मैदान देखोगे और इन लोगों को हम जमा कर लेंगे तो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे,
और सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने सफ बांध कर लाए जाएंगे, तो हम इनसे कहेंगे कि जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया था उसी तरह आज तुम हमारे सामने आए, लेकिन तुमने तो ये ख्याल कर रखा था कि हमने तुम्हारे लिए कयामत का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं किया। और आमाल की किताब खोल कर रखी जाएगी तो तुम गुनाहगारों को देखोगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और कहेंगे हाय शामत, ये कैसी किताब है कि न छोटी बात को छोड़ती है न बड़ी को, कोई बात भी नहीं मगर उसे लिख रखा है। और जो जो अमल किए होंगे सबको हाजिर पाएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया, वो जिन्नात में से था तो अपने परवरदिगार के हुक्म से बाहर हो गया। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को मेरे सिवा दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, और शैतान की दोस्ती जालिमों के लिए अल्लाह की दोस्ती का बुरा बदल है। मैंने उनको न तो आसमानों और जमीन के पैदा करने के वक्त बुलाया था और न खुद उनके पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा न था कि गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। और जिस दिन अल्लाह फरमाएगा कि अब मेरे शरीकों को जिनके निस्बत तुम माबूद होने का गुमान रखते थे बुलाओ, तो वो उनको बुलाएंगे मगर वो उनको कुछ जवाब न देंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की एक जगह बना देंगे, और गुनाहगार लोग दोजख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें पड़ने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता ना पाएंगे। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीजों से बढ़कर झगड़ालू है। और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, बजुज इसके कि इस बात के मुंतजिर हों कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने से आ जाए। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं। और जो काफिर हैं वो बातिल की मदद से झगड़ा करते हैं ताकि उससे हक को फिसला दें, और उन्होंने हमारी आयतों को और जिस चीज से उनको डराया जाता है उसे हंसी बना लिया है। और उससे बढ़कर जालिम कौन जिसको उसके परवरदिगार की आयत के जरिए समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया, और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें, और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें। और अगर तुम उनको रस्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रस्ते पर ना आएंगे, और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। अगर वो उनके करतूतों पर उनको पकड़ने लगे तो उन पर झट अजाब भेज दे, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है कि उसके अजाब से कोई पनाह की जगह ना पाएंगे। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब इन्होंने कुफ्र करके जुल्म किया तो हमने इनको तबाह कर दिया, और इनकी तबाही के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया था। और जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, टलने का नहीं खास सदियों चलता रहूं, फिर जब वो दोनों उन दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, फिर उस मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारा खाना लाओ, इस सफर से हमको बहुत थकान हो गई है। उसने कहा कि भला आपने देखा कि जब हमने उस चट्टान के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया, और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया, और उस मछली ने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बनाया। मूसा ने कहा यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे, तो वो अपने पांव के निशान देखते देखते लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत खास से नवाजा था और अपने पास से एक खास इल्म बख्शा था। मूसा ने उनसे, जिनका नाम खिज्र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। खिज्र ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हो। मूसा ने कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज्र ने कहा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो दोनों चल पड़े, यहां तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो खिज्र ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा
क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दी? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। खिज्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआवजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों चले, यहां तक कि रस्ते में एक लड़का मिला तो खिज्र ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर किसास के मार डाला, यह तो आपने बुरी बात की। खिज्र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफ़त करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिज्र ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिज्र ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलाहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफर में ना फंसा दे, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकिजगी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकाले। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था, तो उसने एक सफर का सामान किया यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, ज़ुल्क़रनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा, तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकत यूं ही थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफर का सामान किया यहां तक के दो ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा, तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया, तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न ये ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैलकर एक दूसरे में घुस जाएंगे।
और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो आमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके आमाल जाया हो गए। सो हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग बतौर मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए।